प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। एक मामूली सी बात को लेकर दो लोगों के बीच पहले तो कहां सुनी हुई, फिर मामला शांत भी हो गया। थोड़ी देर बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारने के लिए उसके घर पहुंच गया, जिसके बाद तकरीबन दो दर्जन लोग लाठी डंडे और चाकू लेकर आपस में भिड़ गए। इस घटना में जहां 12 लोग जख्मी हो गए, वहीं एक की मौत भी हो गई है। मामला सोनौली कोतवाली क्षेत्र के जोगोली गांव का है, जहां शुक्रवार की शाम 6 बजे दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई। दरअसल गांव में सड़क किनारे टेनी अपने मकान में कुछ निर्माण करवा रहा है, जिसके चलते उसके घर के सामने रास्ते पर पानी भरा हुआ है। वहीं से कलामुद्दीन गुजर रहा था, पानी में गिरने से बचने के लिए उसने टेनी के घर के नवनिर्मित खंभे पर हाथ रख दिया, जिसके बाद टेनी ने उस पर खंभे को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दोनों के बीच बहस हो गई। हालांकि यह मामला वहीं पर शांत भी हो गया था। रात को आरोपी और उसका परिवार झगड़ने के लिए कलामुद्दीन के घर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग गोलबंद हो गए। तकरीबन दो दर्जन लोगों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। परिवारों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया। इसमें कुछ महिलाओं समेत करीब 12 जख्मी हो गए, कुछ के सिर फटे तो वहीं 3 लोग चाकू लगने से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस भी सूचना प्राप्त होने पर वहीं पहुंच गई। वहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां इलाज के दौरान जहरुद्दीन की मौत हो गई है। SP प्रदीप गुप्ता ने बताया कि घटना की तहरीर मिल गई है, मुकदमा लिखा जा रखा है। घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, वैसे ये लोग छुरी ले लेके बैठे थे, न लाठी था न डंडा था, मारना चालू कर दिए। कितने लोग थे? वो 5 लोग थे मारने वाले, एक का शमसुल हक नाम है, बड़े वाले का, जो उसमें 5ों में सबसे बड़ा था। 5ों तो सगे भाई हैं और 4 लोग उसके छोटे छोटे हैं, मतलब उम्र में छोटे हैं लेकिन लंबाई में हाइट में तो सब जवान। हमला करने के बाद क्या कुछ मतलब आप लोगों पर उसका असर पड़ा है, किस तरह से हानि पहुंची आप लोगों को? अब पहला वार किया हम, मेरे सामने यहाँ चेहरे पे ऐसे किए हैं तो हल्का लगा है, फिर हम भागने लगे, पीछे से वार किया है, एक बंडी यहाँ फट गई है, अब शर्ट भी फट गया, पूरा खून चू रहा था पूरा, ये सब हम तो भाग गए। हमारे 2 भाइयों को मार दिया वहीं डूब के, हाँ दोनों लोग को मार दिए, एक तो एक्सपायर हो गए हैं, बॉडी यहीं पे आ चुका है और एक अभी सीरियस में है फिर लखनऊ में भर्ती।